200 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और उसके बाद में छठा गियर डल रहा है। अरे यार ये तो बेकार है फोन का ही मामला। पे आते तो ऐसा लगा जैसे कि एकदम गाड़ी को किसी। देखो भाई मैंने घर के ना फुट मैट्स डाले हुए हैं अपने। ये तो ज्यादा बड़े हो गए। 24 इंच चाहिए भैया ये जो इस वाले पे है। देखो भाई हमारी स्कॉर्पियो है नाई नाई कर रही है, वॉश हो रही है। अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी हमारी गाड़ी वॉश होती है तभी बारिश आ जाती है ताकि उसकी सफाई उसकी चमक जो है कम ना हो। लगता है कुछ कमी रह जाती है धुलने में, इसलिए भगवान सोचते हैं चलो कोई नहीं थोड़ा सा ना मैं भी हेल्प कर दे दूँ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए मस्त हो गए। तो दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो, वी आर शूटिंग फ्रॉम स्कॉर्पियो एन। तो भाई बहुत देर से हम सोचे थे कहीं जाए कहीं जाए कहीं जाए, तो फाइनली कुछ थोड़ा सा दूरी से ही हम जा रहे हैं। पहली बार डलेगा। 200 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और उसके बाद में छठा गियर डल रहा है। वाह मुबारक हो। तो आपकी दिली इच्छा पूरी हुई कि गाड़ी को आप थोड़ा अलग अलग मोड्स पे चेक करने का आपको उपलक्ष्य प्राप्त हुआ। मोड्स क्यों नहीं चेंज कर रहे आप? ट्राई तो करो। क्रूज पे चलाते हैं ना। अच्छा पहले क्रूज कंट्रोल। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई ना विंडो खुली हुई है कि बाहर की आवाज ना कुछ ज्यादा आ रही है, वरना मैं इतनी नहीं आती थी। विंडोज तो सारी बंद है। चेक कर लिया तू? ये गाड़ी का एक्चुअली स्टैंड ही ऐसा है ना, थोड़ा सा एरोडायनामिक इतनी ज्यादा नहीं है। हवा की थोड़ी आवाज आ रहा है, मुझे लग रहा है टायर की नॉइस है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी विंडो खुली रह जाती है ना उसकी आवाज आती है, वैसी सी फीलिंग आ रही है। एसी की आवाज तो नहीं आ रही पीछे वाली? वो भी थोड़ा सी नॉइस करता है। नहीं नहीं वो आवाज नहीं है। ज्यादा ही हिल रहा है कैमरा है ना। हाँ। तो हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा ये ले हम फोन स्टैंड जिसमें हम कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग भी कर सकें, बट जिसमें अभी लगा रखा है इसमें काफी शेकिंग है। देखते हैं इसका भी कुछ इलाज करते हैं। यार ये तो बेकार है फोन का ही मामला। ज़ैप मोड पे है, इसको करते हैं ज़ूम पे। ज़ूम मोड पे कर दिया। अरे हो गया, ज़ूम मोड एक्टिवेटेड। आगे आपने दिखा दिया वो है? यहाँ से विजिबल नहीं है मैं। और ज़ूम आ गया यहाँ पर लिख के इस जगह पे। तो ज़ूम करते हुए जाएंगे हम हैं। गाड़ी की साउंड भी चेंज हो गई है। रिस्पांस भी चेंज हुआ है। अब ज़ूम करके जा रही है। एक्सेलरेटर करने पे पीछे की तरफ को वो फील होता है ना। पावर ही चेंज हो गई है ऐसा लग रहा है। ज़ूम पे चलाओ आते तो ऐसा लगा जैसे कि एकदम गाड़ी को किसी ने रोक दिया हो, डाउनफॉल पे आ गई हो। हाँ, और मैं अभी एक्सेलेरेटर काफी ज्यादा प्रेस कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी चली नहीं रही है। कमाल ही हो गया। तो ज़ूम पे चलाओ। Z
जिप तो मेरे ख्याल से वो मोड है कि जिप पे डालो और गाड़ी को 80 की स्पीड पे क्रूज पे डाल दो, तो आप माइलेज ज्यादा से ज्यादा निकाल दो। हाँ, इकोनॉमिक मोड है वो। अगर आप हाईवे पे इसको यूज कर, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड मोड है वो अब है अपना जैप मोड। अब जैप मोड पे, जैप मोड एक्टिवेटेड। हाँ, देखिए रिस्पॉन्स फिर चेंज हो गया, गाड़ी की आवाज ही चेंज हो जाती है। हाँ, तो वही फर्क तो है, ऐसा नहीं है कि जिप जैप जूम कोई कुछ ऐसे फैंसी चीज दिखा रखी हो। जिप पे गाड़ी एक्चुअली में जिप हो जाती है एकदम। जैप नॉर्मल है, जूम पे अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और आपको खींचनी है गाड़ी, थोड़ा सा थ्रिल लेना है, जो एक्सेलरेटर का जो रिस्पॉन्स है ना वो फील होता है गाड़ी के अंदर कि हाँ गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, तो जूम में वो रहता है। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल ड्राइवर है तो जैप इज द राइट मोड। गाड़ी ले ली है तो गाड़ी में छोटा मोटा काम तो करवाना पड़ेगा ना। अब जरा नीचे का ही हाल दिखा दो। ये देखो भैया, मैंने घर के ना फुट मैट्स डाले हुए हैं अपने, तो एटलीस्ट गाड़ी में मैट, मड फ्लैप, रेन वाइजर, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, तो उन चीजों के लिए अब हम जा रहे हैं। राइट, यस। शोरूम से भी ले सकते थे बट मुझे कहीं ना कहीं वो ओवर प्राइस लगा। एक्चुअली क्या, आप जिस चीज के लिए पे कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो लगना चाहिए कि हाँ उतने की है वो चीज। हाँ, वो वर्थ करे उस चीज को, बट ऐसा था नहीं। तो सभी लोगों ने यही रिकमेंड किया कि बाहर से ले लो। खुद उनका जो सेल्स एडवाइजर था वो कह रहा था ये छोटी छोटी चीज आप बाहर से भी ले सकते हो तो आप काफी अमाउंट सेव कर पाओगे उसमें। तो हम उसी के लिए जा रहे हैं आज। और मीनवाइल कुंज की भी कुछ इच्छाएं थी, नानी हाउस चलते हैं, नानी हाउस चलते हैं, तो नानी हाउस भी चलते हैं और काम भी करवा लेते हैं। सरप्राइज देना जरूरी है, कल कल नहीं दे पाया नानू को, तो आज दे दूंगा और नानी को भी दे दूंगा। लेकिन रख तो लिया है ना आपने सरप्राइज अपनी पॉकेट में? यस, रख लिया। हाँ, ऐसा तो नहीं है घर भूल आए हो? पर्टिकुलर क्लिप इज डेडिकेटेड टू माई फीमेल सब्सक्राइबर्स और फीमेल व्यूअर्स। भाई मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे वैनिटी मिरर होता है ना, मुझे उसकी कमी बहुत बहुत ज्यादा खल रही है भाई। एक अगर 50 रुपए का एक मिरर ही यहाँ पर लगा देती महिंद्रा तो क्या चला जाता। फाइनल टचअप के काम तो आता, वो एक इतू सा मिरर नहीं लगाया गया, हद ही हो गई यार। मैंने अभी फ्लैप उसको ओपन करके चेक करा, आ रही यार इसमें तो है ही नहीं। अब मुझे लग रहा है मुझे मार्केट से लेके ना वो चिपकाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि जितने फीमेल सब्सक्राइबर या फीमेल व्यूअर्स हैं वो इस चीज से जरूर एग्री करेंगे। ये सारे 20 इंच के हैं तो ये डायरेक्ट लग जाएंगे या स्पेसर लगेगा इनमें? कोई स्पेसर नहीं लगेगा। और 20 में? 20 में लगेगा। ये तो ज्यादा बड़े हो गए। 24 इंच है ये भैया, ये जो इस वाले वॉल पे है 22 है। 24 तो फिर ये तो फिर तो भाई है तो ज्यादा ही बड़े। देखो भाई, हम ओरिजिनल ढूंढते हैं और कुछ लोग ओरिजिनल निकलवा के जाते हैं, निकले हुए हैं किसी के, देख के पता चल रहा है। आप एक बार इसको देखो,
इसमें हमारी शक्ल दिख रही है और इतना अमेजिंग फिनिशिंग। हेलो, क्या हाल है? तो भाई इन्होंने हमें दिखाया है MRF का वंडरर ऑल ट्रेन टायर है ये भी, और दूसरा इन्होंने हमें दिखाया है C8 का कौन सा है, ये है C8 का क्रॉस ड्राइव, ये भी ऑल ट्रेन टायर है। ये दो टायर दिखाए हैं और इन दोनों में से शायद हम कोई एक चूज़ कर लें। दो टायर और दिखाए थे इन्होंने स्टार्टिंग में हमको, वो भी एक MRF का था, उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है वो कह रहे हैं, मॉडल्स है डिफरेंट, तो ये डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस बताया था। और दूसरा जो उन्होंने एक और टायर हमें दिखाया था, ये वाला टायर है, ये भी C8 का था, ये हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया। ये सही लग रहा है MRF का, एक ये वाला पैटर्न है और एक ये वाला पैटर्न है, दोनों पैटर्न में डिफरेंस आप देख सकते हो क्या है, ये जो इसका डिज़ाइन है इसमें अंतर है। और C8 का ये इन्होंने दिखाया था, ये मुझे थोड़ा पुराना सा लग रहा था, बट ये दोनों टायर मुझे सही लग रहे हैं दोनों। बाकी वैसे अपना प्लान तो 18 इंच का अलॉय लगवाने का है, ये है 18 इंच का, बट उन्होंने ये देख सकते हो साथ में, और ये है 17 इंच का, दोनों महिंद्रा के ही अलॉय हैं। अब हम सोच रहे हैं कि जब लगवा ही रहे हैं तो हम महिंद्रा वाले अलॉय ही लगवा लें, क्योंकि ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और ये दूसरा एक और अलॉय जो उन्होंने दिखाया। दीदी, इंदिरापुरम से जाम लगा हुआ है और विजयनगर तक जाम है। अरे बाप रे। और तेरी गाड़ी एवरेज दे रही है 22.3 का। ए? तेरी गाड़ी एवरेज दे रही है 22.3 का। तो भाई साथ साथ हमने अपने स्पीकरों की भी टेस्टिंग कर ली है, कॉल किया है और उस पर ही बात कर रहे हैं हम लोग। और हम वहाँ से निकल आए, आज हमने अलॉय नहीं लगवाया, कुछ बात बनी नहीं हमारी, बट हमने कुछ और एसेसरीज खरीदी हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। घर पहुँच के दिखाते हैं कि हमने कौन कौन सी एसेसरीज लगवाए हैं, वहाँ पर थोड़ा बिजी हो गए हम लगवाने में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट आपको मैं आगे दिखा दूंगा वीडियो। टायर का तो काम हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने छोटे छोटे काम करा लिए, जैसे कि एक रेन वाइजर लगवा लिया है और उसके अलावा फुट मैट लगवाए हैं, ऑलरेडी गंदे भी हो चुके हैं पीछे वाला भी। फिट एंड फिनिश काफ़ी है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, बट ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसमें लगवाया। इसके अलावा कुछ पार्ट्स जो हैं, जैसे कि स्कफ प्लेट, हम ये लेकर आ गए, हमने लगवाया नहीं अभी, तो ये भी हम लगवा लेंगे। और एक फ़ोन होल्डर भी हम लोगों ने लिया, क्योंकि जो अभी लगा हुआ है वो थोड़ा सा पता नहीं उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, सो इसीलिए हम लोगों ने इस बार छोटा वाला लेके देखा है, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है, आपके साथ शेयर करेंगे वो। और इसके अलावा ये जिस शॉप से हम लोगों ने ये सब काम करवाया तो उनकी तरफ से ही हमें गिफ्ट मिल गया। बाकी टायर का काम हमें करवाना था लेकिन वो हो नहीं पाया प्रॉब्ली, तो आगे की वीडियो जो है हम वहाँ पर शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, लेट हो गए थे हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये मैट वगैरह और रेन वाइजर वगैरह लगवा लिया, और साथ में स्कफ प्लेट मैंने आपको दिखाई दिया, वो हम लेके आए हैं, बाद में लगा लेंगे अपने आप। और टायरों का काम हमारा हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो जो स्कॉर्पियो है, क्योंकि बिल्कुल नई गाड़ी है और जो उसके जो स्पेयर्स है या जो उसकी जो एसेसरीज है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है प्राइस इसको काफ़ी हाइक करके बता रहे थे। तो हम लोगों ने और दो तीन जगह पे बात की है, तो हम जल्द ही अपने जो अलॉय व्हील्स हैं और जो टायर जो अपग्रेडेशन है वो भी करेंगे, और एग्जैक्टली हमने क्या डिसीजन लिया वो हम आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye-bye.